हेलो गाइस, आज मेरे पास है अंडर 20,000 रुपीस में दो बेस्ट फोन। एक है आईक्यू Z9S, दूसरा है मोटो G85। आज इस वीडियो में दोनों फोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करूंगा, कौन सा फोन में अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है चलिए वो देख लेते हैं। उससे पहले दोनों फोन की स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। आईक्यू Z9S में है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट, मोटो G85 में है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 चिपसेट। मेरे पास दोनों फोन का 8GB 128GB वेरिएंट है, जो आता है LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। ये जो स्पीड टेस्ट होगा टोटल 5 राउंड्स में, जो फोन ज्यादा राउंड्स में विनर होगा वही फोन बेस्ट होगा। तो फर्स्ट राउंड में बूट टेस्ट करके देख लेते हैं कौन सा फोन पहला होम स्क्रीन लेकर आता है। अभी मेरे राइट साइड में है मोटो, लेफ्ट साइड में है आईक्यू। तो चलिए दोनों फोन को यहाँ पर सेम टाइम में रिस्टार्ट में क्लिक करते हैं। 3, 2, 1, दोनों फोन रिस्टार्ट हो चुका है। कौन सा फोन पहला होम स्क्रीन लेकर आता है वो असली बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईक्यू जो है सबसे पहले होम स्क्रीन लेकर आए, क्योंकि इस राउंड में साफ साफ विनर जो रहता है आईक्यू Z9S। सेकेंड राउंड में स्कोर टेस्ट करूंगा। स्कोर को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऐप है, तो सबसे पहले अंतुतु देख लेते हैं। भाई मैं पहले से दोनों फोन में अंतुतु को रन करके रखा हूँ, फिर से आप लोगों के सामने टेस्ट अगेन में क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो फोन ज्यादा अंतुतु स्कोर लेकर आएगा वही फोन बेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फोन का अंतुतु स्कोर आ गया है। आईक्यू का जो अंतुतु स्कोर है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए फोन जो है यहाँ पर एक पॉइंट को हिट करता है। चलिए अब दोनों फोन में सीपीयू थ्रॉटलिंग को रन करके देख लेते हैं, इसका सीपीयू परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आता है, उसी के साथ कौन सा फोन हिट होता है कि नहीं वो भी हम लोग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करते हैं। ये जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट होगा ये 15 मिनट के लिए टेस्ट होगा। सीपीयू थ्रॉटलिंग रन कंप्लीट हो गया, तो चलिए सबसे पहले हीट को टेस्ट करके देख लेते हैं कौन सा फोन ज्यादा हीट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रूम का जो टेम्परेचर अभी है 31, मोटो कितना हीट हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो 38 डिग्री के आसपास में है, और आईक्यू देख लीजिए 39 डिग्री के आसपास में हीट हुआ है। लेकिन सीपीयू थ्रॉटलिंग परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो मोटो का सबसे ज़्यादा है 92%, और यहाँ पर आप देख सकते हो आईक्यू का जो है 81%। तो यहाँ पर मोटो जो है एक पॉइंट को हीट करता है। चलिए अब दोनों फोन में गिगबेंच 6 को रन करके देख लेते हैं किसका सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर सबसे ज्यादा आता है। रन सीपीयू बेंचमार्क में यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। दोनों फोन का सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो आईक्यू का जो सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर जो है मोटो से ज्यादा है, इसलिए फोन जो है एक पॉइंट को हिट करता है। ऐसे भी देखा जाए इस राउंड में आईक्यू जो है दो पॉइंट को हिट कर चुका है और मोटो एक पॉइंट को हिट कर चुका है। यहाँ पर साफ साफ विनर रहता है इस राउंड में आईक्यू Z9S। थर्ड राउंड में ऐप ओपनिंग टेस्ट करूंगा। उससे पहले आप देख सकते हो दोनों फोन की बैकग्राउंड्स में कोई भी एप्लीकेशन रनिंग नहीं है, इवन दोनों फोन जो है वो सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट भी है, और दोनों फोन का रिफ्रेश रेट जो है वो 120 हर्ट्ज में स्लेट है। तो चलिए एक एक एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा फोन फर्स्ट ऐप को ओपन करता है। पहला G5, पहला ओपन किया है आईक्यू ने, हॉटस्टार, पर दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम टाइम में ऐप को ओपन किया है, जियो सिनेमा, यहां पर फर्स्ट ओपन किया है मोटो ने, यूट्यूब फर्स्ट ओपन किया है आईक्यू ने, फ्लिपकार्ट फर्स्ट ओपन किया है आईक्यू ने, मिंत्रा फर्स्ट ओपन किया है आईक्यू ने, अमेजॉन फर्स्ट ओपन किया है आईक्यू ने, फेसबुक फर्स्ट ओपन किया है आईक्यू ने, इंस्टाग्राम यहाँ पर देख सकते हो मोटो ने फर्स्ट ओपन किया है। चलिए अब VGMI गेम को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा फोन फर्स्ट लॉबी स्क्रीन लेकर आता है। 3, 2, 1, आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट लॉबी स्क्रीन लेकर आया है मोटो। ऐसे भी देखा जाए इस राउंड में ज्यादातर एप्लीकेशन को फर्स्ट में ओपन किया है आईक्यू, इसलिए आईक्यू Z9S जो है इस राउंड में विनर रहता है। फोर्थ राउंड में वीडियो एक्सपोर्ट टेस्ट करूंगा, कौन सा फोन वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट होगा चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन है, सेम प्रोजेक्ट है दोनों फोन में, वीडियो का टाइमलाइन भी सेम है। तो चलिए सबसे पहले दोनों फोन का वीडियो एक्सपोर्ट सेटिंग्स चेक कर लेते हैं।
तो आईकू की फोन में आप मैक्सिमम 4K 60fps में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मोटो का हालत बहुत खराब है, यहाँ पर 720p 60fps का सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो दोनों फोन में वीडियो एक्सपोर्ट का जो सेटिंग्स है वो सेम रखता हूँ, 720p 60fps। सेव एज वीडियो में क्लिक करता हूँ, देन स्किप में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों फोन जो है वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी 720p 60fps में। यहाँ पर आप देख सकते हो आईकू बहुत फास्ट वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर आप एडिटिंग के लिए ये दोनों फोन से कंफ्यूज थे तो मेरा सजेशन रहेगा आईकू Z9S जो है आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ऐसे भी इस राउंड में सब विनर जो रहता है आईकू Z9S। लास्ट राउंड में रैम मैनेजमेंट टेस्ट करूंगा, उससे पहले दोनों फोन की बैकग्राउंड में जो सारी एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया था रिसेंट, तो सारे एप्लीकेशन रनिंग है, यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों फोन में। तो चलिए एक एक एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं कौन सा फोन रैम में रखा है, कौन सा फोन रैम में नहीं रखा है। पहला G5 को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फोन रैम में रखा है। हॉटस्टार यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फोन रैम में रखा है। जियो सिनेमा यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फोन रैम में रखा है। यूट्यूब दोनों फोन रैम में रखा है। फ्लिपकार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो मोटो जो रीलोड कर रहा है। मिंत्रा दोनों फोन रैम में रखा है। अमेजोन दोनों फोन रैम में रखा है। फेसबुक दोनों फोन की रैम में है। इंस्टाग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो मोटो जो रीलोड कर रहा है। VGMI यहाँ पर आप देख सकते हो आईकू की रैम में है, मोटो जो रीलोड कर रहा है। मोटो का जो रैम मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। ऐसे भी इस राउंड में भी साफ साफ विनर रहता है आईकू Z9S। तो चलिए अब फाइनल कंक्लूसन की बात करते, तो यहाँ पर देखा जाए आईकू Z9S जो है मेरे स्पीड टेस्ट में विनर रहता है, क्योंकि ये फोन जो है ज्यादा राउंड्स में विनर हो गया है। अगर आप कंफ्यूज थे दोनों फोन की परफॉर्मेंस लेकर, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लिया तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर देगा आईकू Z9S। फिर भी आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट हो रहा है, कौन सा फोन आप खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे नए नए फोन की स्पीड टेस्ट देखने के लिए।